तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल। सीधे ललित का रुख करेंगे। ललित, फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो कल जिस तरीके से दिल्ली में यहां पर कल दिल्ली में प्रदर्शन हुआ जामा मस्जिद के सामने, इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, जामा मस्जिद में जिस तरह से कल दिल्ली गेट के पास में हिंसा हुई थी, उसमें एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई थी और उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को डिटेन भी किया है उस पूरे मामले में जी। लेकिन मैं इस वक्त अभी जाफराबाद में खड़ा हूँ, यहाँ पर भी कल कई लोगों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया था। हालांकि यहाँ पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको जाफराबाद की सड़कों पर, जिसमें कि परसों के दिन में हिंसा हुई थी, का एक नज़ारा आपको दिखाएं किस तरह यहाँ पर अभी जो हालात है वो फिलहाल सामान्य दिखाई दे रहे हैं। और जो बाकी है, जो अभी फिलहाल स्थिति है, वो जो जामा मस्जिद और दिल्ली गेट इलाके से खबर आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पर भी हालात जो है फिलहाल अभी सामान्य ही हैं और पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिन लोगों ने भी इस पूरे मामले में पूरे प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश की और पूरे प्रोटेस्ट में हिंसा करने की कोशिश की, उन सभी की तलाश कर रही है। दरअसल ये मानकर चला जा रहा है कि शाम को 6 बजे तक पूरी शांति के साथ प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से पूरे प्रोटेस्ट में हमने देखा कि अचानक से हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस को पहले पानी छोड़ना पड़ा, उसके बाद जो है लोगों को पुश करना पड़ा, तो और उसके बाद हमने देखा कि अचानक गाड़ी में आग लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम था, ये अपने आप में संदेहास्पद घटनाक्रम था और अब पुलिस इसी मामले की जांच कर रही है। देखना होगा पुलिस आज के दिन में जब शाम को इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर ब्रीफ करेगी तो क्या कुछ जानकारी देती है जी। ललित, यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम सहयोगी हमसे जुड़े हुए थे, कल लगातार अपडेट्स दे रहे थे, ऐसे में हिंसा की कोई खबर नहीं आ रही थी। अचानक से वहां पर हिंसा कैसे हो गई, वाकई तमाम सवाल निशान यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि जो सहयोगी हमसे जुड़े हुए थे लगातार विजुअल्स हम तक पहुंचा रहे थे, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था सभी प्रदर्शनकारी बैठ कर हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर में एक ऐसी हिंसा होती है जो वाकई चिंगारी भड़का देती है, 40 प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर हिरासत में लेना पड़ जाता है, सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। देखिए, पुलिस का यही मानना है दरअसल कि प्रोटेस्ट में शाम के वक्त में कुछ लोग और जुड़े थे जी। जिनके जुड़ने के बाद जो है लगातार जो हिंसा है वो हिंसा का माहौल पैदा हुआ और जो हजारों लोग जबकि जामा मस्जिद पर हमने देखा कि सुबह के वक्त से वहाँ पर मौजूद थे, कई सारे नेता आए वो गए, उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को डिटेन भी किया, लेकिन बावजूद उसके जो है हालात एकदम नियंत्रण में रहे और पुलिस भी अपना सतर्क रही। लेकिन शाम को अचानक जब कुछ लोग जुड़े, जैसा कि जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो कुछ लोगों के जुड़ने के बाद अचानक से हिंसा हुई और हमने देखा कि एक गाड़ी में आग लगा दी गई है, वो भी ठीक DCP दफ्तर के बाहर, जिस तरह का घटनाक्रम था दरियागंज में तो दिल्ली गेट के पास में। तो ये सारा माहौल बता रहा है कहीं ये जो घटनाक्रम हुआ ये आप में साजिशन घटनाक्रम था और इसको एक तरह से प्लान्ड तरीके से किया गया। अब पुलिस असल यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है जी। ललित, इस वक्त अगर देश की स्थिति देखें तो पूरा देश इस वक्त जल रहा है, ऐसे में सभी की दरकार है, सभी की मांग है कि अब देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, इस पे कुछ बोलना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी सिर्फ ट्विटर पर एक दो ट्वीट कर देना और भी ज्यादा लोगों को भड़का रहा है, आपको नहीं लगता है? देखिए, लगातार इस मामले में अपने जो अलग अलग विभाग हैं वो काम कर रहे हैं। कल जो प्रधानमंत्री की चुप्पी तो एक अलग विषय है, वो तो है ही, लेकिन साथ में जो है हम देख रहे हैं कि कल गृह मंत्रालय ने कई सारी जानकारियां बताई हैं इसके बारे में। उन्होंने बताया है कि जो NRC को लेकर जिस तरह का एक भय पैदा किया जा रहा है, उस NRC को लेकर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं और आज हम देख रहे हैं कि लगातार वो जानकारियाँ हम सारे समाचार पत्रों से लेकर सारे चैनलों तक मौजूद हैं। उसमें ये जिस तरह से बताया गया है कि 1987 से जो पहले पैदा हुए थे उन लोगों को नागरिकता के लिए किसी भी तरह का दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सरकार ने NRC को लेकर अपना जो काम करना शुरू कर दिया है,
वो सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले पर पूरी अपनी पिक्चर को साफ करना चाह रही है और सरकार ये चाह रही है कि लोगों को इसके बारे में सही तरीके की जानकारी हो, ताकि जो एक लोगों के अंदर भय फैला हुआ है कि आखिर वो अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करेंगे। जिस तरह का हमने देखा कि असम में लगातार जो है वहाँ पर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 19 लाख लोगों के नाम आ गए लिस्ट में जो कि अपनी नागरिकता को प्रूव नहीं कर पाए। हालांकि असम में नागरिकता साबित करने के लिए जो निर्धारित वर्ष था वो 1971 रखा गया था, लेकिन अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो NRC होगा पूरे देश में उसमें 1987 आधार वर्ष रखा जा सकता है। तो अगर 1987 आधार वर्ष रखा जाता है तो मुझे लगता है कि 1987 के बाद से जो है काफ़ी सारे लोगों के पास इस तरह के दस्तावेज मौजूद होंगे और वो उनको अप्रूव करने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि 85-87 के बाद से एक तरह से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का दौर शुरू हो गया था और उसके बाद जो है चीज़ों को अलग तरीके से देखा जाने लगा था। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी परेशानी उस तौर पर आने वाली है। तो सरकार जो है लगातार इस बात को साफ कर रही है कि आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नागरिकता साबित करने के लिए कई अवसर दिए जाएंगे, कई प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, कई दस्तावेज दिए जाएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नागरिकता का दस्तावेज नहीं भी है तो भी उसके लिए सरकार अलग अलग तरह का मैकेनिज्म बना रही है कि जिसके जरिए ये जो भय फैला हुआ है NRC को लेकर कि अगर NRC आ गया तो उसके बाद हम देश से बाहर हो जाएंगे, इन सारे भय को दूर करने को लेकर सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही जो है गृह मंत्रालय की तरफ से इस मामले में स्थिति साफ कर दी जाएगी। जी ललित, अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो तो उनसे भी जानिए कि नागरिकता संशोधन कानून जो आया है उस पर उनकी क्या कुछ राय है, जो देश में चल रहा है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए मेरे साथ आप यहीं रहते हैं, लोकल में रहते हैं, ये मुझे बताइए किस बात का डर है सबसे ज्यादा इस कानून को लेकर? इस कानून को लेकर यही डर है कि हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और क्या। अच्छा जी, यानी कि अगर उसमें जो गैर मुस्लिम की बात कही गई है उसको लेकर आपका जी डर जी है। जी अच्छा, हिंदुओं को सबको भारत में रखा जाएगा, हमें मुस्लिमों को बाहर निकाल दिया जाएगा यहाँ से, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये जानकारी आपको किसने दी? ये TV पे मिल रही है, अमित शाह ने बोला है ये साफ साफ। क्या बोला अमित शाह जी? अमित शाह ने यही बोला है कि हिंदुओं को सबको रखा जाएगा भारत के अंदर, मुस्लिमों को बाहर निकाला जाएगा। कब बोला उन्होंने? उन्होंने सीधी सी बात कही कि हम एक कानून लेकर आए थे। कौन अलग अलग आप तरह के आप वो देख रहे हैं, आप बताइए आपके अंदर क्या भय है? मेरे अंदर कोई भय नहीं है, जो होगा सही होगा, ठीक होगा। आपको अपनी सरकार पर भरोसा है? नहीं बिल्कुल नहीं है, सरकार पे काहे को भरोसा होता, भरोसा मुझे अपने आप पे, सरकार को तो सरकार हमसे, हम थोड़ी ना सरकार से हैं यार, वोट हमने दिया, हम चुना है उन्होंने, हमने चुना है। प्रधानमंत्री आपकी बात बिल्कुल सही है, आवाम से सरकार है, सरकार से आवाम नहीं है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री गृह मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोई नागरिक देश से बाहर नहीं होगा जो हिंदुस्तान में रह रहा है, अब वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो फिर किस बात का भय है? तो हाँ, जब ऐसी बात है तो कोई वही नहीं है, बात ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है। आप लोग तो पुश्तैनी तौर पर कई सालों से रहते आ रहे हैं, फिर आप लोगों को किस बात का भय है? हम तो काफी सालों से, हमारा तो जन्म ही यहीं का है जी। फिर किस बात? हमारा तो जन्म ही यहीं का, हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं पे दुनिया देखी है, सब कुछ यही है और क्या। अच्छा, आप देखिए, आप बताइए, आप यहीं रहते हो? आपको भी भय है? देखिए यहाँ पर कई सारे लोग हैं, रोज जाते हैं काम पे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस भी अपनी जगह पर ठीक काम कर रही है, पुलिस कोई गलत काम नहीं कर रही है यहाँ आपकी, ठीक है, क्योंकि जाम लगना, लोग ये हिंसा हो रही है प्रदर्शनों में, प्रदर्शन करना गलत नहीं है, अपनी बात को रखना सही बात है, लेकिन जिस तरह से हिंसा हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रदर्शन एक तरह से बदनाम हो रहे हैं इससे? नहीं, वो बात आपकी सही है, लोग बसें जला रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारी जेब से निकलेगा, सरकार अपनी जेब से थोड़ा दे देगी, सरकार हमसे तो टैक्स वसूलेगी फिर ये इन चीज़ों का, ऐसा कुछ नहीं है। खैर चलिए, ये देखिए गौरांशी, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि एक तरह की गलत जानकारियां लोगों के दिमाग में आ गई हैं कि उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे साथ ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं इनमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं,
इनको एक तरह का भय है कि इनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कि जो नागरिकता संशोधन कानून आया है उसमें जिस तरह से मुस्लिम गैर मुस्लिम कहा गया है, तो इनको ये लग रहा है कि गैर मुस्लिम का मतलब है कि केवल मुस्लिम छोड़कर बाकी सब रह जाएंगे और मुस्लिमों को निकाल दिया जाएगा। जबकि वो कानून कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं कहता है कि गैर मुस्लिमों को निकाल दिया जाएगा। वो कानून सिर्फ इतना कहता है कि जो लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि मुसलमानों को उसमें नहीं दिया जाएगा। उसमें ये कहा गया है कि गैर मुस्लिम यानी मुस्लिम छोड़कर जो लोग आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और बाकी रही बात NRC की, तो NRC की तो कोई रूपरेखा ही अभी तैयार नहीं है, तो उसको लेकर एक तरह का जो भ्रम फैल गया है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार है। और सरकार अगर इस भ्रम को दूर कर दे तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं फिर वो प्रदर्शन भी होंगे। जी ललित, जिस तरीके से वहां पर आप लोगों से जोड़ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, यही वो भ्रांतियां हैं ललित, यही वो अफवाहें हैं जो लोगों के बीच में फैलाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हिंसा हो रही है। लोगों को NRC के बारे में, लोगों को CAA के बारे में जानकारी नहीं है, वो बस कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अफवाहों पर ध्यान देकर भेड़ चाल में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए टोटल न्यूज भी लगातार लोगों से अपील करता रहता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस वक्त अगर बात की जाए सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, तो IT सेल की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें सोशल मीडिया पर, तो पुलिस ने उसके लिहाज से भी नज़र रखी हुई है लोगों पर। कह सकते हैं कि आप कोई भी हिंसक पोस्ट यहाँ पर शेयर करना, लाइक कमेंट करना, यहाँ पर शेयर करना लोगों को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए है। सरकार कोशिश कर रही है कि अलग अलग तरह के से, सरकार ये मान कर चल रही है कि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है और वो भी कई सालों से यहाँ रहता आ रहा है। तो ऐसा कतई नहीं हो सकता कि जो 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस देश में रह रहे हैं वो एक रातों रात बाहर हो जाएंगे। वो इस देश के नागरिक हैं, वो हमेशा से नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे नागरिक। सरकार भी इस बात को कह रही है, लेकिन दरअसल इनके बीच में जो लोग हैं, जो ये जानकारी दे रहे हैं, जो इनको ये बता रहे हैं कि आपको बाहर निकालने की साजिश हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी गलत बात है। आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, मोबाइल चलाते हैं, आपको क्या लगता है क्या सरकार मुसलमानों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है? जी सर। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सर मतलब ये ऐसा है यहाँ पे, ये जो मेन चीज़ ये नागरिकता की है, ये नागरिकता होना चाहिए यहाँ की। जो बेचारे मतलब बाहर के जो लोग आए हुए हैं तो वो क्या करेंगे फिर, ये बताइए सर। बाहर से आप हिंदुस्तान में पैदा हुए जी? मतलब जैसे हम यूपी के हैं, यहाँ पे मतलब अपने कहाँ यूपी में पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए? यूपी में सर। यूपी हिंदुस्तान में ही है ना? जी हिंदुस्तान में ही। वैसे नजर की मतलब नागरिकता यहाँ की होना चाहिए, यहाँ की। कहाँ की? किसने कहा आपसे? बात मतलब यही है, किसने कहा आपसे? नागरिकता भारत की होनी चाहिए। जी जी। भारत की नागरिकता में यूपी भी आता है। जी जी। भारत की नागरिकता में दिल्ली भी आता है, ये किसने कहा आपसे? सात धर्म को मतलब बोला गया है कि मुस्लिम, मुसलमानों को क्यों नहीं बोला गया? मुस्लिम का भी नाम ले सकते थे, सात धर्म का ले सकते हैं, तो एक आठ धर्म का लेने में क्या दिक्कत थी अमित शाह को? ये बोलिए सर। देखिए सरकार की तरफ से जो बात कही गई है कि सात धर्मों को वो नागरिकता देगी, तो और आठवें को उन्होंने मना नहीं किया है सरकार। ये सरकार ये बात बराबर नहीं, हम सब नहीं देखिए इसमें बराबर नहीं सर, हम बराबर नहीं सर, बराबर सब हैं। आपको आपको इतिहास नहीं पता मुसलमानों ने आजादी दी या कौन गांधी जी है? फिर सरकार इस बात को क्यों नहीं बोलती है? सरकार अंधी हो गई सर? ये बताओ कानून अंधा है सर? अमित शाह को उसी टाइम रोकना चाहिए था जब उन्होंने सात लफ्जों में ये बयान करा था कि सर मुसलमानों को छोड़ के सातों का नाम लिया था, उसी टाइम सरकार को ये कहना चाहिए था तुमने आठवें का नाम क्यों नहीं लिया। और सर अगर कानूनी पास होना है तो ये पास होना चाहिए कि सन 2020 से जो भी नागरिक आएगा उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, जो हिंदुस्तान में अब है उसे ही नागरिकता मिलेगी। आज से ये होना चाहिए। जब तो हम अमित शाह के साथ, हम अमित शाह के साथ BJP के साथ, हम डट के मुसलमान तभी खड़ा रहता तब जब वो ये कहते कि हम सन 2020 तक के मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी, पर इन्होंने यूं कहा है कि सर हम इतने सारे दस्तावेज लेके आओ। सर हम आपसे ही पूछते हैं, आप भाइयों से पूछते हैं सर, अपने दादा के तो छोड़िए, बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो भाग के शादी कर लेते हैं सर, वो दस्तावेज कहाँ से लेके आएंगे? लेके आएंगे, कोई दिक्कत। आप कहाँ दिल्ली में, आप कहाँ पैदा हुए? आप कहाँ से लेके? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आप कहाँ पैदा हुए? हम सर दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली में पैदा हुए ना? कब पैदा हुए आप? कौन सा डेट ऑफ बर्थ है आपका? हमारा 1993। सरकार ने जो साफ तौर पर कहा है 93, तो अभी की बात है। हमारे मुस्लिम के लिए क्यों सर? ये मुस्लिम के लिए क्यों?
सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए है। अमित शाह ने सर मुसलमानों से आराम से धैर्य रखो, मैं यही खड़ा हूँ, आप भी यही खड़े हो। वाकई ललित, यहाँ पर लोगों को भी समझने की जरूरत है, अफवाहों से बचने की जरूरत है। जिस तरीके से आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और आपकी कोशिश ऐसी बरकरार रहे, हम ऐसी भी उम्मीद करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी